अपन संस्कृति अपन पहचान बल पहाड़ी छूमी भावना चुफाल मेरा नाम आपका नाम बड़ी भी का चुफाल। तो हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहलाग जय देव की हाल चाल हैरान सब ठीक ठाक होला। तो आज का ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हंस क्यों रही है खाली? तो अभी इसको स्कूल भेजना है, स्कूल नहीं जा रही, स्कूल जाएगी ना। हंसने को नहीं बोला है, स्कूल जाने को बोला है। हाय तो बोल रहे, हाय दगड़ियो। तो आज का ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हमने खा दिया है खाना, खा दिया खाना यू भी खा दिया है खाना। अब नीचे जाते हैं, उजा गुरकी कैसे है वे, यहाँ जाना है हमें। वन टू, ये देखो हम नीचे चले जाते हैं। ये देखो इससे यूवी का डरे हुई है जो ये सामने बैठे है ना यूवी। मैं यूवी को दिखाती हूँ। बोल दे बाय दगड़ियो। अब मुझे मास्क पहनने से भी डर नहीं लगता। रुमाल कहाँ है? तो यूवी को जो है स्कूल का तैयार कर दिया, पंगा से स्कूल छोड़ने गया है। और अभी हम खेत में जा रहे हैं, भाई और भाभी वहाँ पे गडेरी निकाल रहे हैं। तो आपको दिखाती हूँ कि गडेरी क्या होता है। जो पहाड़ी है उनको तो पता ही होता है गडेरी क्या है, जो पहाड़ के नहीं है उन्हें मैं बताती हूँ गडेरी क्या होता है। दिखाती हूँ गडेरी, शायद आपने देखा हो या फिर उसे हिंदी में कुछ और बोलते हो। हिंदी में कुछ और बोलते तो हैं उसे कुछ, पर मेरे को पहाड़ी वर्ड ज़्यादा पता है, गडेरी बोलते हैं हमारे। बचपन से गडेरी सुना है तो वही याद है मेरे को। ये निकालना है गडेरी, गडेरा हिंदी में क्या को नान, गडेरा हिंदी में क्या को नान। हाँ अरबी, याद आ गया मेरे को गाइस। बचपन में ठीक गडेरी हंड रहा, गडेरी याद हूँ। अब भी वही सोच नहीं गडेरे की को नान हिंदी में। ये रे अरबी है सारे खोदने हैं। कंदमूल बोलते हैं ना इनको। ओहो यार पहले के टाइम में ये तो खाते थे। मिले ही ना गडेर ले यार टी फोन आई ना ना। सो जाना इस तर धोरे लो लो लोरी सुनाना। तो ये इतनी सारी अरबी निकली है। पिनू गडेरी वहाँ पे भी निकाल दी, इधर भी है। ये इनको अभी सुखाना है, फिर उसके बाद इनको उबाल के खाएंगे या सब्जी भी बना सकते हैं इनकी। फिर इनमें से जो ऐसे वाले हैं, ये वाले हैं जो, इनको जो है यहाँ पे दोबारा उगाएंगे। इसमें आग लगाएंगे पहले थोड़ा सा झाड़ वगैरह करके, फिर इनको दोबारा से उगाएंगे छोटे वालों को, फिर ये दोबारा से बड़े बन जाएंगे, खेती हो जाएगी दोबारा। तो दगड़ियों मैं ठुल थल मेला आऊँगी, वहाँ पे मैं इनको बेचूँगी। तो जो जो खरीदना, जिन जिनको खरीदने होंगे आ जाना मेरे स्टॉल में। तो अभी इनके छिलके निकालने, उसके बाद इनको धूप में सुखाएंगे, फिर ये सूख जाएंगे, फिर ये छोटे होंगे, फिर ये सूख जाएंगे, फिर ये छोटे हो जाएंगे, फिर उसके बाद खाएंगे इनको, नहीं बेचेंगे इनको। ठुल थल मेल में आ जाना आप लोग, पूछ लेना किसी से भी भाना चुफाल का स्टॉल कहाँ है। खट्टा ये बड़ी वाली जो हमारी अरबी थी,
ये हमारी एक कट्टा हो गया, अभी छोटी वाली खेत में ही है, उसको भी कट्टे में डालना है। देखो एक कट्टा पूरा भर के हुआ है, इस बार कम हुआ पर ठीक है, एक कट्टा। अभी नीचे में भी है एक और, छोटी वाली जो है वो उनको उसमें डालेंगे, इसमें से बड़ी बड़ी वाली है। अब खाना खाते हैं, मेरे को कपड़े भी धोने हैं। तो हमने जो है अरबी निकाल लिए खेतों से। एक बार क्या हुआ, मेरे को पता नहीं था अरबी बोलते हैं करके। एक बार दिल्ली में मैं सब्जी मंडी गई तो मेरे को दिखी अरबी है करके, तब मेरे को पता नहीं था कि उसको अरबी बोलते हैं हिंदी में, गांव में तो पिन्नू पिन्नू बोलने वाले हुए। तो मैंने बोला भैया पिन्नू कैसे दे रहे हो, उन्हें समझ नहीं आया मैंने क्या बोला। मैंने बोला भैया पिन्नू कैसे दे रहे हो, ये पिन्नू? फिर बोले अरे बेटा अरबी है ये। मैंने बोला अच्छा हमारे गाँव में पिन्नू बोलते हैं ना, तो मेरे को वही याद आता है करके। वो हंसने लग गए बुरी तरह, फिर भी मेरे को याद नहीं आया, फिर मैं भूल जाती हूँ कि अरबी बोलते हैं करके। पंकज बोल रहा था आज चूग खाएंगे बना के, और खुद वो यूवी को स्कूल छोड़ने गया और वहीं से ऊपर चला गया नेट चलाने जंगल में। बोल रहा था चूग खाएंगे आज करके, और आज अभी पता नहीं, देखते हैं कब आता है और फिर चूग बनाएंगे। नमक भी पीसना है, नमक खत्म हो रखा है। जल्दी से कपड़े धो लेती हूँ। बंदरों ने जो है ना बहुत आतंक मचा रखा है गांव में ना, सब्जियां वगैरह आलू वगैरह कुछ भी सब्जियां लगी हो सारी खा देते हैं यार ये बंदर, पता नहीं कहाँ से आ रखे हैं। पिछली बार तो भगाया था बम बम फोड़ के, फिर रोज ही आ जाते हैं, एक दो दिन में आ जाते हैं, डरते भी नहीं है ये लोग किसी से, चुपचाप आते हैं और सारे खा के चले जाते हैं। बताएं इतनी मेहनत से लगाते हैं, खेती करते हैं, और सारे बंदर सब खा देते हैं। तो दगड़ियों हमने इनको सुखाने के लिए डाला था अरबी को, पिनू को, तो बंदर आ गए हैं, और तो बंदर तो खा जाते हैं इनको जल्दी जल्दी, तो इसलिए भाभी इनको बोरी में भर रही है बंदर से छुपाने के लिए। तो छोटे वाले इतना ही हुआ, आधा कट्टा, आधे कट्टे हुए इस बार छोटे वाले। अब क्या खाएंगे बंदर, सब छुपा दिया हमने। ये टमाटर खाएंगे ये वाले, ये देखो यहाँ पे भट्ट भी खा रखे हैं बंदरों ने हमारे। नीना मैं नीचे थी, मैं कपड़े सुखा रही थी शायद, तब अपने जब मैं कपड़े सुखा के ऊपर आए ना, ऐसे गिरे हुए थे, मेरे को लगा चिड़िया ने खाए होंगे। बंदरों का दुश्मन द बंदरमैन, इस गांव की बंदरों से रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। द बंदरमैन, इस गांव को बंदरों से, बंदर मुक्त गांव बनाना है, मुझको वोट करें। डामास्क में कितने लेके गया है, कितने लेके गया, थोड़े ही लेके गया, यहां से पूरे यहां यहां वहां वहां तक पहुंचा रखे थे। इसको टास्क दे रहे हैं, ये यहाँ इसी मास्क से पिएगा, रिवील नहीं करेगा अपना फेस। हाँ खिना दिया सब। बांग फूल जाता हमारा खाता। गाइस ये लोग उल्टी मत ही सिखाते हैं, इन्हें दगा न रही बट्टा ले। तो दगड़िया यूवी आ गई है स्कूल से। हाय आराम से तो यहाँ बाबू लोटे। हाँ हाँ आराम से आ जा, बैग का ऑपरेशन कर रखा है यूवी ने आज स्कूल में। यूवी के बैग में देखो ऐसी की है ये, हे भगवान, यूवी का बैग, रुमाल, रुमाल सिंगाड़ पोंछने के लिए, ये पजामा, इसमें से एनीवेयर डोर निकलेगा क्या, जुराब, टोपी, किसी में निकल लेता तेरा किसी में फैल जा लाग देता। हेलो हेलो नहीं करेगी, हेलो हेलो, हमारे सुबह दोस्ती हुई थी ना, हेलो कर दे, हेलो कर दे, हेलो। हम खाएंगे भात, पलेव भात। देखो बड़ा नींबू लेके आ गया, एक ही लाया, एक बहुत है यार, मैं ज़्यादा खाती हूँ। तो अभी नमक पीसने के लिए धनिया वगैरह लाती हूँ, लहसुन वगैरह लाती हूँ, मिर्ची। हाँ अच्छा ठीक, जाग पे जाग, क्या करना है तू, हैं स्वर करना है हमारा, धनिया चोर हाँ बाड़ उन लग इससे
अरुण मारन दे तोड़ो ही मेरे बाड़ू हां मेरे तेरे बाड़ है जी सारियों मा फूली गे होली प्याली लयन मैं घर छोड़ा ए जी घर बाण पड़ी गे होलू बारो बसंत मैं घर छोड़ा ए जी सारियों लो भाई नमक पीस लिया है, बना लो नींबू। अब पहाड़ी नींबू बनाने के लिए हमें चाहिए 2 हाथ 5 उंगलियां, इसमें 5, इसमें टोटल 10 उंगलियां, 1 चाकू और ऐसे इसको यहाँ से काट दो। पहले बन गया। गाइस मेरे सुंदर सुंदर हाथ को इग्नोर करें। बस अपना डालो इतना सा। तो यहाँ लगा रखी है चक्की, चक्की बंद करते हैं। इसमें ये इसमें इसको अब इसे निकालेंगे। तो दगड़ियों आज हमारा डिनर बना रहे हैं पंकज सिंह चुफाल, मशहूर पराठे जो बनाते हैं, आपने देख लिया होगा हल्द्वानी में इन्होंने पराठे बनाए थे। तो आज भाभी वेट कर रही है अब कब जो खाऊंगी, कब जो बनेंगे पराठे। अभी हम मसाला ही बना रहे हैं। आप कुछ कहना चाहोगे? बस खाने के इंतजार में हूँ। हाँ वही हम पराठे बने कब हमारे पेट में जाए। तो दगड़ियों खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है, भाभी के पेट से आवाज़ भी आ रही है, गुड़ 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 गुड़। हाँ कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं नहीं रोटी देख। तो गाइस हमारे पराठे बन चुके हैं, बस 2 पराठे बचे हैं एक्स्ट्रा लार्ज वाले, शेफ पंकज सिंह चुफाल द्वारा बनाए। बाय, गुड नाइट। तो दगड़ियों हमने खा दिए आलू के पराठे, अब खा रही हैं बकरियां अपना। ये है चावल का मान पीती है बकरी, ये भयंकर तरीके से पीती है यार। वो रोटियां खा रही है ये वाली, इसको भी पिलाना है। अच्छा ठीक, वाइट वाली के लिए अभी दूंगी। हाय गाइस व्हाट्सअप। ओ भाई साहब आँखें कैसे लग रही है इनकी, फ्लैश में चमक रही है बिल्कुल। हाय हाय दगड़ियों कैसे हो आप लोग, सब बढ़िया? सब बिल्कुल भयंकर लग रहे हो, आंखें चमक रही हैं आपकी। बकरी हाय दगड़ियों करना, बकरी नहीं करती है यार। नहीं। करेगी वो, हाय दगड़ियों बोल दे प्लीज। हाय दगड़ियों, बाय दगड़ियों, ये भी बाय बोल दे। बाय बाय दगड़ियों, आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा व्लॉग तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ये देखो ये भी बोल रही है। मैं।
Oh,